तो एलेनाइट जा रहे हैं क्राउन ज्वेल के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का फेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि रिसेंटली एलेनाइट ने जॉन सिना से लेके स्टोन कोल्ड तक, स्टोन कोल्ड से लेके कोडी रोड तक सभी को हरा डाला, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट की टिकट सेलिंग आई है सामने, शिंशिन नाकामोरा देने वाले हैं क्या एनिमल टाइम ओपन चैलेंज, और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्राउन ज्वेल के अंदर फेस वो करेंगे हमारे एलेनाइट रोमन रेंस के साथ में, मैच ऑफकोर्स होने वाला है। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली एलेनाइट का कुछ अच्छा खासा नंबर आया सामने, जो कि सुन के तुम लोग भी सरप्राइज हो कि जॉन सीना, क्राउन ज्वेल साथ ही में नाकामोरा के ओपन चैलेंज और भी अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ हमारी पहली अपडेट के साथ में, और इस बार ये जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में और उनके पूरे क्राउन ज्वेल के शेड्यूल के बारे में। तो देखो बताया जा रहा है कि आज या फिर कल में जो जॉन सीना इवन जो रोमन रेंस हैं वो क्राउन ज्वेल पहुंचने वाले हैं। जितने भी वहां पर घूमना फिरना होगा, फिर जो भी WWE को वीडियो शीडियो शूट करनी होगी वो सब जॉन सीना की वहां पर होने वाली है। लेकिन एक जो यहां पर रिपोर्ट्स कह लो या बात कह लो आ रही है सामने, वो ये कि जॉन सीना शो की ओपनिंग करने वाले हैं, यानी कि जॉन सीना सोलो सिकोए का मैच मेन शो का पहला मैच होगा। जैसे मैच खत्म होगा जॉन सीना तुरंत शायद क्राउन ज्वेल को लीव कर डालेंगे। शायद सुनकर तुम्हें हल्के से डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन बात ये भी आई सामने कि मे बी ये जॉन सीना का आखिरी क्राउन ज्वेल का मैच हो सकता है। ऑफकोर्स मैं यहां पर रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जॉन सीना इस साल क्राउन ज्वेल में क्यों कंपीट कर रहे हैं, बिकॉज वो सैज एफ्रा वाली स्ट्राइक चल रही थी। अगर वो स्ट्राइक न होती आई डोंट थिंक सो कि सीना आने वाले थे वापस स्पेशली क्राउन ज्वेल के अंदर कंपीट करने के लिए। सीना आते आराम से अगले साल वही रॉयल रंबल या रेसलमेनिया के अराउंड में, तो इसलिए जरूर थोड़ी हर साल स्ट्राइक लग जाए, हर साल लोग धरने में बैठ जाए। तो इसलिए बताया जा रहा है कि मे बी ऐसा मान के चल रहे हैं बैक स्टेज के ऊपर लोग कि सीना का आखिरी क्राउन ज्वेल का शो होने वाला है। और ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि सीना का जो मैच है वो मे बी ओपनिंग करने वाला है पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट की। अब बात हम लोग करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि क्राउन ज्वेल शो के अंदर होगी या फिर नहीं होगी, ऐसा बहुत से लोग पूछ रहे थे। तो देखो जनरली होता क्या, WWE ने पहले जब गए थे हम लोग लोगन पॉल और रोमन वाले मैच के लिए, वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। लेकिन अब जो बात आ रही सामने वो ये आ रही है कि WWE ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के बारे में नहीं सोचा है, ना वो शो के ओपनिंग में होगी ना ही वो शो के बाद में होने वाली है। यानी कि WWE किसी भी तरीके से वो जो एंगेजमेंट है फैंस वगैरह इन सब की, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे जो कि यूजुअली हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जो कि WWE के रिसेंट हमें प्रीमियम लाइव इवेंट्स का पार्ट भी थे। अच्छा अब जो रीजन आए सामने वो ये कि WWE के पहले प्लान तो थे लेकिन उनके हिसाब से भी लोकेशन और जगह रेडी नहीं है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सो दैट्स वाई WWE ने उन चीज़ को हटा डाला कि नहीं भाई छोड़ो रहने दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल शो होगा, किक ऑफ का शो होगा और उसके बाद मेन शो होगा, शो खत्म होगा हम लोग टटअप बाय बाय करते हुए यहाँ से चलते बनेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत एंटरटेनिंग पार्ट होता है, तुम्हें जे उसको कोडी रोड्स का तो नशे वाली चीज़ याद ही रही होगी, तो वैसा अगर WWE करती है मजा आता, लेकिन चलो जब सिचुएशन ही वैसी नहीं है तो उसमें WWE की खास हम खास गलती है नहीं। अब चलो बढ़ते हैं इसी बात वाली अपडेट की तरफ, इस बार किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल्स यानी कि शिंशिन नाकामोरा के बारे में जुड़ी है। अब देखो जो नाकामोरा है हमारे WWE कंपनी के अंदर, पता नहीं कौन से क्रिप्टिक प्रोमो अजीब से करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऐसा टीज कर रहे हैं कि भैया किसी बंदे को बुला रहे, किसी बंदे को कॉल आउट कर रहे हैं। अब वो है कौन, इसका आइडिया तो एक्चुअल में किसी को भी नहीं है। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रीसेंट टाइम के अंदर कुछ प्लान आए सामने और प्लान ऐसे बताए जा रहे हैं, पहले बता दो स्पेकुलेटेड प्लान है कि मे बी WWE वाले नाकामोरा को आने वाले एक दो महीने के अंदर टिल सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट किसी ऐसे खास हम खास फ्यूड में इन्वॉल्व ना करें। मेरे फ्यूड में ना इन्वॉल्व करने का मतलब ये कि मान लो वो अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ में, तो शायद वो टीम रॉ का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच होता है उसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि शायद WWE वाले नाकामोरा को एक ओपन चैलेंज वाली चीज के अंदर डाल दें। देखो जो ये सीएम पंक के टीज हो रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, भाई ये सीएम पंक के टीज है तो WWE हाइप को तो यूटिलाइज करने वाली है, ठीक है। अब चाहे वो सीएम पंक हो चाहे ना हो, तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि शायद जो नाकामोरा है वो जाएंगे अपने सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, वो वहां पर जाके ओपन चैलेंज देंगे जो कि कंपनी पहले से अनाउंस करेगी। अब सीएम पंक अगर आने होंगे तो सीएम पंक आ जाएंगे, वरना WWE किसी और को भी बुला सकती है। तो ये WWE की आदत पुरानी, इवन सेथ रॉलिंस के मामले भी ऐसा हुआ था अगर तुम्हें याद हो, सेथ ने आके रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज दिया था तब वहां से कोडी रोड्स आए थे, पहले से मैच ऑफिशियली अनाउंस नहीं था। तो सेम गोज विद नाकामोरा, मे बी नाकामोरा को ओपन चैलेंज दे सकते हैं और जिसका आंसर शायद हमारे सीएम पंक कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। अब जब मैं सर्वाइवर सीरीज PLA की बात कर ही रहा हूं, हम लोग सर्वाइवर सीरीज की टिकट सेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिसेंट टाइम के अपडेटेड नंबर्स आए हैं सामने। जो स्क्रीनशॉट आया रेसल टिक्स की तरफ से, ऑफ कोर्स वो तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे, अभी करेंटली जो अवेलेबल टिकट है सर्वाइवर सीरीज की वो 1296 के आसपास की, बिकॉज ऑफ कोर्स WWE ने टिकट्स बढ़ाई थी। जो टोटल करंट सेटअप है WWE का वो 16,860 का, और WWE की जो अभी तक टिकट्स बिक चुकी हैं वो 15,560 के अराउंड की, यानी कि 59 के अराउंड की।
और पिछले 7 दिन के अंदर WWE ने जब से सीट्स बढ़ाई हैं तो 210 या 20 के अराउंड जो टिकट्स हैं वो भी बिक चुकी हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, अभी फिलहाल जो WWE वाले हैं सर्वाइवर सीरीज को अच्छे से सोल्ड आउट कर पाएंगे, बिकॉज टाइम बचा हुआ है। अभी पास आएगा जब शो और, तो शायद हमारे CM Punk की और हाइप भी बन जाए। तो WWE मुझे लग रहा है जो 1200-1300 टिकट्स है ना, ये भी आसानी से बेचने वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। ये LA Knight के बारे में जुड़ी है। अब जा रहे हैं LA Knight रोमन रेंस से आमना सामना करने के लिए, और ये मैच ऑफकोर्स होगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि क्राउन ज्वेल से पहले कुछ स्टैट्स आए सामने जो शायद तुम लोगों को हैरान कर देंगे, बिकॉज LA Knight ने ऑलमोस्ट सभी को हरा डाला है। जो स्क्रीन शॉट तुम तो पूरा देख पा रहे होगे, लिखा है टॉप WWE मर्चेंडाइज सेलर इन कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि जो पिछला अक्टूबर मंथ गया है उसमें किसने कितनी हाइएस्ट मर्चेंडाइज सेलिंग की कंपनी में। तो नंबर वन के ऊपर रैंकिंग वाइज में LA Knight का नाम आया सामने। इवन पिछले कुछ महीनों से LA Knight टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर के अंदर आ रहे हैं, और ये लो भाई सीधा अब तो टॉप ही कर बैठे। पहले पे LA Knight, दूसरे पे जॉन सीना, तीसरे पे कोडी रोड्स, फोर्थ पे सरप्राइजिंगली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, एंड फिफ्थ पे जे उसो का नेम आया सामने। तो ऑफकोर्स जे उसो सिंगल सुपरस्टार की तरह पूरे ग्रो हो रहे, सो दैट्स वाई उनका ब्लड लाइन से ऊपर अलग से नाम आ रहा कि भाई उनकी मर्चेंडाइज बिक रही है। लेकिन LA Knight ने बीट किया सभी, जॉन सीना, कोडी, स्टोन कोल्ड जी को। आई थिंक वो इंटरनल वे में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, बिकॉज WWE को चाहिए क्या होता है, कोई बंदा ड्रॉ करे हमारी कंपनी के लिए, वो हमारे लिए स्टार है, राइट। तो अगर LA Knight ड्रॉ करे तो मुझे लगता है नहीं WWE को उन्हें आने वाले टाइम में और पुश देने में कोई दिक्कत होगी। इस वाली चीज को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, जब LA Knight टॉप मर्चेंडाइज सेलर बने मंथ ऑफ अक्टूबर के, और क्या LA Knight जॉन सीना कोडी इन सबको हराने के बाद थोड़ा और चांस है कि LA Knight हमारे न्यू चैंपियन बनेगी क्राउन ज्वेल शो के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।